फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि स्लीप और अस्लीप में क्या फर्क है, यानी ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स को कैसे समझें कि कब यूज करना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले आपको ये चीज समझना होगा कि एक्शन और स्टेट क्या होती हैं। यानी जब मैं कहूंगा यह एक एक्शन वर्ड है तो आप क्या समझेंगे, और जब मैं कहूंगा यह एक स्टेट है तो आप क्या समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, एक्शन वर्ड मींस एक ऐसा वर्ड जिसमें कोई एक्शन दिखलाया जा रहा है, कोई काम दिखलाया जा रहा है कि ये काम हो रही है या ये काम चल रही है। जैसे आना, जाना, खाना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, पढ़ना, पढ़ाना, नाचना, मारना, सुनना, लिखना। These words are action words. ये सभी words action word हैं, क्योंकि इनमें कोई action दिखलाया गया कि कोई action हुआ आने का, जाने का, खाने का, रोने का। Friends, action words shows something is going on. जिस words से किसी के condition का पता चले कि यह उसका condition है या उसकी हालात है या वो ऐसा है, तो हम उसे स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ यू आर पुअर, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ, बट यहाँ मैं आपकी कंडीशन बताया, यहाँ मैं आपकी हालात बताया कि आप ऐसे हो, यू आर पुअर, आप गरीब हैं, यानी आप ऐसे हैं। अगर मैं कहूँ सी इज माइजर, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं दिखाया गया, बट यहाँ उसकी कंडीशन दिखाया गया, यानी उसकी हालात दिखाया गया कि वह ऐसा है, वह कंजूस है। तो फ्रेंड्स, एक्शन वर्ड में कोई काम दिखाया जाता है, जबकि स्टेट वर्ड या एडजेक्टिव में ये बताई जाती है कि वो चीज ऐसा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एक्शन वर्ड और स्टेट में फर्क समझ में आया होगा। आइए अब इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, द वर्ड स्लीप इज एन एक्शन वर्ड। वर्ड स्लीप एक एक्शन वर्ड है, यानी इसमें कोई काम दिखाया जाता है कि समवन इज डूइंग समथिंग, कोई आदमी कोई काम कर रहा है, और वो काम है सोने का, स्लीपिंग। एग्जाम्पल, आई स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे तक सोया, यानी मैंने 2 घंटे तक सोने का काम किया। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अस्लीप का क्या कंसेप्ट। द वर्ड अस्लीप इज एन एडजेक्टिव, इट शोज स्टेट। द वर्ड स्लीप एक एडजेक्टिव है और ये स्टेट बताती है, यानी यह बताती है कि कोई चीज ऐसा है या किसी इंसान की ऐसी हालत है, वह इस दशा में है, वह इस हालात में है। अस्लीप मीन्स समवन इज इन अ स्लीपिंग कंडीशन। अस्लीप का मतलब होता है कि कोई सोई हुई कंडीशन में है या कोई सोई हुई स्टेट में है। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जाम्पल में समझें। यूज स्लीप इफ यू वॉन्ट टू इम्फेसाइज द एक्शन। फ्रेंड्स, आप वर्ड स्लीप का यूज तब करेंगे जब आप किसी एक्शन पर इम्फेसाइज करेंगे, यानी आपको ये बताना हो कि मैंने कोई काम किया या सब्जेक्ट ने कोई काम किया। यूज अस्लीप इफ यू वॉन्ट टू इम्फेसाइज द स्टेट। और वर्ड अस्लीप का यूज तब करें जब आपको स्टेट पर एम्फेसाइज करना हो, यानी इस बात पर जोर देना हो कि कोई उस हाल में था या कोई उस कंडीशन में था या कोई सोई हुई हालात में था। आइए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे फोन किया मैं सो रहा था। Here is an action word, sleeping. यहाँ मैंने एक एक्शन बोला और वो है स्लीपिंग, यानी मैंने अपने सेंटेंस में ये बताया कि जब आपने मुझे फोन किया तो उस वक्त मैं सोने का काम कर रहा था, यानी मैं ये एक्शन कर रहा था। लेकिन अगर मैं कहूँ आई वॉज अस्लीप व्हेन यू कॉल्ड मी, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का ये मीनिंग है कि जब आपने मुझे कॉल किया तो मैं उस वक्त सोई हुई हालात में था। तो फ्रेंड्स, इन दोनों सेंटेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस आपने यहाँ बताया कि मैंने कोई एक्शन किया और वो था सोने का काम, जबकि आपने यहाँ ये बताया कि मैं उस हाल में था, यानी मैं उस कंडीशन में था। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। माय टीचर इज अस्लीप। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरी टीचर सोई हुई हालात में है, यानी वो आंख बंद करके लेटे हुए हैं। अब पता नहीं वो सो रहे हैं कि बस यूं ही लेटे हुए हैं, बट जो उनकी कंडीशन है वो ये है कि वो सोई हुई हालात में हैं या वो सोई हुई दशा में हैं। बट अगर मैं कहूँ माय टीचर इज स्लीपिंग, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मेरे टीचर सो रहे हैं,
यानी वह कोई एक्शन कर रहे हैं और वह एक्शन है सोने का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अस्लीप मीन्स अ स्टेट या एक दशा, एक कंडीशन, यानी कोई इंसान वैसा है, और स्लीप यानी एक एक्शन वर्ड, कोई इंसान कोई काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।